कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाए और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर से। लॉकडाउन में गणेश जी की मूर्ति बनाने वालों के हाल बुरे हैं। लॉकडाउन के 3 महीने पहले ही मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया था। अब मूर्तिकारों को डर है कि उनकी मूर्तियां पहले जैसी नहीं बिक पाएगी। लॉकडाउन के कारण कई पारंपरिक लघु उद्योग ठप हो गए हैं। उन लोगों की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है जो किसी त्योहार की तैयारी में पूरे साल अपना माल तैयार करते हैं और त्योहार पर ही बेचते हैं। ऐसी ही गणेश चतुर्थी पर बेचने के लिए मूर्ति बनाने वाले कारीगर 8 महीने पहले से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं और त्योहार के समय ही बेचते हैं। यदि त्योहार के समय उनकी मूर्तियां नहीं बिक पाती है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग ब्याज पर पैसा उधार लेकर अपना कारोबार करते हैं। मंदसौर में ऐसे ही में मूर्तिकार सागर प्रजापति ने बताया कि वे और उनका पूरा परिवार साल भर मूर्तियां तैयार करता है और त्योहार पर बेचते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण उन्हें नुकसान का डर सता रहा है। इस साल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कहीं भी बड़ी मूर्तियां का पांडाल या सामूहिक पूजा नहीं होगी, जिसकी वजह से बड़ी मूर्तियां कोई नहीं खरीदेगा। मूर्तियों की दुकानों पर कोरोना के डर की वजह से लोग आएंगे या नहीं, कुछ भी भरोसा नहीं है। पिछले साल भी मंदसौर की बाढ़ में नवरात्रि के लिए बनाई गई देवी की मूर्तियों का भारी नुकसान हुआ था। ब्याज पर पैसे उधार लेकर साल भर काम करते हैं, लेकिन इस बार यदि मूर्तियां नहीं बिकी तो काफी नुकसान होगा। मूर्तियां खरीदकर बाजार में बेचने वाले व्यापारी मनोज का कहना है कि इस साल कुछ भी अंदाजा नहीं है कि मूर्तियां कैसे बिकेगी। बड़ी मूर्तियों की डिमांड नहीं है, छोटी मूर्तियों में मेहनत तो है लेकिन कमाई नहीं है। नुकसान का डर तो है लेकिन इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है। पिछले कई सालों से ये मूर्तियां बेचते आ रहे हैं, तो वहीं जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने यह साफ कहा है कि कहीं भी बड़ी मूर्तियों के पांडाल या सार्वजनिक पूजा नहीं होगी। लोग अपने घरों में ही पूजा करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सागर प्रजापत। कैसे, क्या दिक्कत है, किस तरीके से आप शुरुआत करते हैं? सर, हमको इसको काम को करने के लिए 8 महीने से हम इसमें लगते हैं। हमारे घर के 15 जने हैं, हम 15 मेंबर हैं घर में, सभी लोग इसी के पीछे हैं और हम लोग इसी से हमारा गुजर बसर है। और उसके बाद में जो लॉकडाउन लगा तो हमारा माल आधा ऊपर कंप्लीट हो चुका था
उसके बाद में जो ये लगा तो इसमें हमारे को बहुत सारी समस्या आ रही है कि हमारा माल बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर से कोई यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, और हमारे को भी सामान लेने, हमारा जो सामान अटका हुआ है ना, हम जा पा रहे हैं वहाँ पे ना उधर से हमारा आ पा रहा है, तो इससे बहुत सारी समस्या हम देख रहे हैं। कर्ज वगैरह हमने ले रखा है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, पर अब क्या, अभी तक तो कोई गुंजाइश है नहीं, तो हम सोच रहे हैं इसी में थोड़ा कम करा हमने इस बार, वैसे भी जो बड़े पैमाने पे हम जो काम करते थे वैसा काम नहीं करा हमने भी। इसमें पंडाल का अभी तक हमारे पास में एक भी क्लू आया नहीं है, मतलब कोई भी कस्टमर वगैरह कोई भी नहीं आया पंडाल की वजह से, तो उसमें हमारा ये जो माल पड़ा हुआ है तो अभी तक वैसा का वैसी है, हमने पूरा हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट कर रखा है। कैसे मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं आप? मूर्तियाँ हम फर्मे से लाते हैं, कैसे प्रोसेस, कलर वलर क्या? तो वो मिट्टी तो क्या है कि पीओपी की है, मिट्टी का भी काम है, पर ये जो बड़े पीस रह जाते हैं हमारे तो ये पीओपी द्वारा बनाए जाते हैं फर्मे द्वारा, और उसके बाद में इस बार लॉकडाउन के बाद में वो माल भी हमको मिल नहीं पाया, जो हमारे पास उपलब्ध था हमने उसको यूज़ कर लिया, तो हमने भी ज़्यादा कुछ काम करा नहीं वैसे, और जो था उसी में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अगर लॉकडाउन नहीं खुला आगे तो फिर नवरात्रि वगैरह क्या करेंगे? वो हमको इसी सिचुएशन से हमको आगे की भी मालूम पड़ जाएगी कि आगे हमको क्या करना है, वो भी तैयारी हम इसी में करते थे क्योंकि उसमें भी हमको समय बहुत कम मिलता था, तो उसी की प्रकार से हम उसकी तैयारी भी इसी में कर लेते थे, जो हमारे को माल बनाना रहता था वो सारा हम इसी में कंप्लीट करते थे, पर अभी तक तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं, ये जो चल रहा था बहुत धीमे चल रहा है काम, तो इस प्रकार से हमने उस काम को पूरा रोक रखा है। नुकसान बहुत सारा हो गया है, पैसे भी उलझा रखे हैं, मार्केट से भी ले रखे हैं हमने पैसे ब्याज से, और हमारा खुद का भी लगा हुआ है। क्या नाम है? मनोज प्रजापति सर। क्या दिक्कत है सर? अभी बारिश की वजह से दिक्कत भी है, और लॉकडाउन भी लगा था, और माल अभी इतना बन नहीं पाया था, और पहले का माल भी स्टॉक पड़ा हुआ है, और अभी थोड़ा डर ये है कि क्या मालूम प्रशासन दुकान लगाने दे या नहीं लगाने दे, और थोड़ा मन में डर बना रहता है, मान लो अगर नहीं लगाने देगी तो माल बच जाएगा, खूब सारा नुकसान होगा हमारा, और लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ी परेशानी आ रही है। छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, छोटी मूर्तियों की दिक्कत है, अब बारिश की वजह से भी देखे लॉकडाउन लग जाएगा अभी, इसलिए थोड़ी समस्या है सर, दिक्कत ही आ रही है सब चीज़ में। हाँ पैसा वैसा सर इधर उधर से लेके करते हैं, अब हमारे पास कहाँ इतना पड़ा हुआ है पार, इधर उधर से लाके पेमेंट लाके का लगाना पड़ता है, अब जो माल बच जाए उसका तो नुकसान भुगतना पड़ेगा फिर हमें। सर लगता क्या है ऐसा, तो कोरोना के कारण ही ठप हुए हैं सब धंधे, अब जिधर से भी आदमी जा रहा है डर के मारे काम पूरा कर नहीं पा रहा है, जो समस्या थी वो अभी और ज़्यादा हो गई है। आपका नाम? मनोज प्रजापति सर। सर गणेश चतुर्थी को लेकर क्या गाइडलाइंस सब किस तरह से? गणेश चतुर्थी ही नहीं बल्कि अन्य जो भी त्यौहार आ रहे हैं उन सभी त्यौहार के लिए गृह विभाग से ये निर्देश आए हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर ही उसको मनाना है, कोई भी सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई सार्वजनिक जगह पे स्थापना नहीं होगी और सार्वजनिक जगह पे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो लोगों से हम लोगों ने विभिन्न जिला की समितियों की बैठक की है, थाने लेवल की शांति समिति की बैठकें की हैं, और सभी को इस बात की जानकारी भी दी गई है कि आपको स्थानीय स्तर पर अपने घरों में ही भगवान का पूजन करना है, या और जो भी त्यौहार आ रहे हैं उसको घरों में ही मनाना है। जो गणेश प्रतिमाएं हैं वो भी इसीलिए जो प्रतिमा बनाने वाले हैं उनसे भी ये अपील की गई है कि वो उसी तरह की प्रतिमाएं बनाएं जो कि घरों में स्थापित की जाती है, और उसके बेचने के समय भी जो दुकान है उन दुकानों में भी सोशल डिस्टेंस का पालन हो, और लोग जो हैं वो उसी तरीके से उसको खरीदें जैसे कि अभी दुकानों में लोग जाते हैं, मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, और उसी तरीके से वहाँ पे भी कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया। पंडालों की स्वीकृति चूँकि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होना है तो उस तरह के स्वीकृति देने का कोई सवाल नहीं उठता है, और ये बात
जो थाने लेवल की शांति समितियां हैं और जिले लेवल की शांति समिति है उसमें सभी सर्व संबंधित को इस बारे में स्पष्टतया समझा दिया गया है।